वालेकुम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इवेलुएट द फॉलोइंग बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x cos x dx। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या होगा कि हमने जो हमारे पास वैल्यू है साइन x, यानी कि ये हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन को हम किसी और वेरिएबल के लेट कर लेंगे, जैसे कि हम इसको नाम दे देते हैं u का। हम जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, और यू की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। सो वी हैव डी यू इक्वल्स टू कॉस एक्स डी एक्स। पुट 1 and 2 इन इक्वेशन ए। हमने इक्वेशन ए में 1 और 2 की वैल्यू को सब्सिट्यूट करना है, यानी कि जो हमारे पास साइन एक्स था वहाँ पर यू आ जाएगा और कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी यू आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ यू पावर 4 डी यू। अब यहाँ पे क्या होगा, पावर में एक ऐड किया जाएगा और यही काम डिनोमिनेटर में किया जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाता है, यू 5/5 प्लस सी। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप हमारा होता है, वहाँ पे हमने दोबारा से यू की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी होती है और हमारे पास यू की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स होल पावर 5/5 प्लस सी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमने फंक्शन उसको लेट करना होता है जिसका डेरिवेटिव भी हमारे पास मौजूद होता है। अगर मैं यू को लेट कर लूँ लॉग ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स, वो हमारे पास मौजूद है। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, लेट यू इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस एक्स। बाई अप्लाइंग डेरिवेटिव वी हैव डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स। लॉग ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/cos x, और कॉस एक्स का जब दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस साइन एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस डी यू इक्वल्स टू साइन यू बाई कॉस यू डी यू। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को उठा के इक्वेशन नंबर ए में सब्सिट्यूट कर लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी यू। अब यू पे हमारे पास पावर 1 है, तो हमने इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना होता है, जो हमारे पास पावर होती है उसमें एक ऐड किया जाता है और यही काम डिनोमिनेटर में किया जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू 2/2 प्लस सी। लास्ट स्टेप में दोबारा से जब हमने यू की वैल्यू सब्सिट्यूट किया तो हमारे पास आ गया लॉग कॉस एक्स होल पावर 2/2 प्लस सी। अब सी पार्ट है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हमने सिंपल कर लेना है, कॉस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई साइन अंडर रूट एक्स डी यू, और यहाँ पे जो हमने लेट करना है वो साइन अंडर रूट एक्स को यू लेट कर लेना है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस हमारे पास मौजूद है। इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, कॉस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 2/√x डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स के साथ हमें 2 नहीं चाहिए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कॉस अंडर रूट एक्स पर अंडर रूट एक्स डी एक्स। और डी एक्स को हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया। जब हमने इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास आ जाएगी तो हमने उसको इक्वेशन ए में सब्सिट्यूट करना होगा। हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, इंटीग्रेशन ऑफ 2/u dU। 2 ∫1u जो है वो हमारे पास लॉग ऑफ यू की इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या कर लेना है, लॉग ऑफ यू की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेनी, और लॉग ऑफ यू लॉग ऐसे ही रहेगा, यू हमने किसके लेट किया था, साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज सूटेबल सब्सिट्यूशन एंड टेबल्स टू इवेलुएट द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पे हमने सब्सिट्यूशन मेथड ही यूज़ करना है। यहाँ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, और साथ क्या है डी एक्स। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू यू, हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करने हैं और हमारे पास डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। हमें यहाँ पे इस माइनस साइन की ज़रूरत नहीं थी, हमने पूरी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई किया है, जो प्लस वैल्यू थी वो माइनस हो गई है और जो माइनस थी वो प्लस हो गई है, यानी कि साइन चेंज हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/u² + 1 डी यू। अब टेबल से देखा जाए तो हमारे पास ये जो है किसकी इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ यू प्लस सी। तो सिंपल हमने यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ यू पुट कर लिया, और लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यू की दोबारा से वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, माइनस टेन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ई पावर 2x - 4 अंडर रूट। तो सेम प्रोसेस से सॉल्व करने, हमने ई पावर एक्स को यू लेट कर लिया, फिर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, और ये बात रिमाइंड है कि जब हमारे पास ई एक्स होगा तो ई एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ई एक्स ही रहेगा, और इंटीग्रेशन में भी हमारे पास जो ई एक्स की इंटीग्रेशन होती है वो सेम रहती है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया हमारे पास क्या आया, ई एक्स डी यू बाई डी एक्स। तो डी एक्स के साथ हमें क्या चाहिए था, ई एक्स, तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिए, तो हमारे पास क्या आ जाता है, डी यू इक्वल्स टू डी एक्स ई एक्स।
देन हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू डिवाइड बाई ई पावर एक्स अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है सेकेंड इनवर्स ऑफ यू बाई टू प्लस सी। लास्ट में यू की वैल्यू हम सब्सिट्यूट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स ऑफ ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस सी।